गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि हम दिल्ली से निकले और हम यहाँ बाजपुर पे रुके और यहाँ से आगे जो रास्ता था वो काफी मतलब वहाँ पे जंगली जानवर वगैरह रास्ते में आ जाते, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे स्टे किया रात में। और हम लोग फिर से अपनी जर्नी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आशु अपने कैमरामैन कैमरा संभाले हुए हैं दिल्ली से लेके अभी भी। तो गाइस चलिए अब आगे चलते हैं, रूम के बाहर चलते हैं, आपको व्यू दिखाते हैं बाहर। आप जैसे ही हम लोग निकलेंगे तो आपको माउंटेन्स दिखेंगे, व्यू आप समझ ही रहे कितना अच्छा होगा वहाँ। गाइस चलिए चलते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग बाजपुर से निकल चुके हैं और हम लोग अल्मोड़ा की तरफ जा रहे हैं, पर बीच में हम लोग नैनीताल में थोड़ी देर रुकेंगे। तो नैनीताल यहां से जो गूगल मैप हम लोगों को बता रहा है वो 61 किलोमीटर है और जो टाइम हम लोगों को बता रहा है डेस्टिनेशन पे पहुंचने में नैनीताल मतलब पहुँचने में वो डेढ़ घंटे के आसपास बता रहा है। गाइस व्यू देखिए यहाँ का कितना फर्स्ट क्लास व्यू है, एकदम मज़ा आ रही है बाइक चलाने में यहाँ पे। What a beauty man, guys कैसा लग रहा है आप लोगों को व्यू यहाँ का? मुझे तो guys बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है माउंटेन्स पे बाइक चलाने में। अपनी बाइक से आने का एक अलग ही अंदाज रहता है, एक अलग ही मज़ा रहता है। पहले भी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, मैंने बाइक चलाई है पर मैं अपनी बाइक से कभी नहीं आया था। तो guys आप लोग जुड़े रहिए, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और भी आगे व्यू बहुत अच्छा आ सकता है। पहुंचने वाले हैं नैनीताल और कैसा लग रहा है आप लोगों को व्यू यहाँ का? तो गाइस हम लोग के साथ बने रहिए और आगे हम लोग आपको दिखाते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और कैसी जगह है। गाइज अभी पुलिस ने हम लोगों को रोका और हम लोगों ने कैमरा ऑफ कर दिया था, पता नहीं क्यों मैंने ऑफ कर दिया था। पर गाइज ये कॉप्स बहुत ही अच्छे थे, इन लोगों ने हमसे बस हमारा डीएल मांगा और बस कुछ चीज़ें पूछी कि कहां से आ रहे हो आप और कहां जा रहे हो, वही बात ना कहां से आ रहे हो कहां को जाओगे। तो गाइज इन लोगों को सब बता दिया हम लोगों ने और इन्होंने बस तुरंत ही हम लोगों को विद इन 5 मिनट्स के अंदर छोड़ दिया कि जाइए आप लोग अपनी डेस्टिनेशन जहां भी है जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपने अपना डीएल दिखा दिया। गाइज यकीन मानिए इन लोगों ने गाड़ी के पेपर भी नहीं मुझसे मांगे, बस ड्राइविंग लाइसेंस। सो गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं नैनीताल और देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। राइट साइड में आपको दिख रहा होगा नैनीताल और लेफ्ट साइड में मार्केट है, बीच में रोड पे हम लोग चल रहे हैं, आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक वीडियो क्लिप्स हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। गाइस ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं जानता नैनीताल के बारे में, पर हाँ एक चीज़ मैं जानता हूँ कि यहाँ का जो वेदर है वो बहुत ही ऑसम वेदर रहता है हमेशा। और हाँ एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ नैनीताल के बारे में कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वेदर है वो 15-20 मिनट में चेंज हो जाता है। अभी देखिए धूप है, हो सकता है 15 मिनट बाद यहाँ पे बारिश होने लगे खूब तेज से और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद कोई और वेदर, तो ऐसे ही होता रहता है यहाँ पर, वेदर चेंज होता रहता है। यही सब कुछ बातें हैं जो नैनीताल की बहुत फेमस है। इंडिया में काफ़ी जगह से लोग आते जाते रहते हैं नैनीताल, वेकेशंस में आते हैं कभी भी, मतलब आप अगर कभी नहीं आए हैं तो एक बार यहाँ आइए नैनीताल में और यहाँ पे बोटिंग करिए। अभी हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग यहाँ बोटिंग करें, पर गाइस मैं 2-3 साल पहले यहाँ पे आया था अपनी फैमिली के साथ में, कुछ पिक्स हमने यहाँ पे क्लिक की थी वो देखिए स्क्रीन पे आप लोगों के सामने होंगी।
अभी हम लोग रुक के आपके लिए सिनेमैटिक शॉट्स और कोई ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग को रिलेटिव्स के यहाँ जाना है और हम लोग डिले नहीं कर सकते वहाँ पे, देर रात में हम लोग पहुँचना सही नहीं होगा हम लोगों के लिए। तो गाइस हम लोग ज़्यादा देर यहाँ रुकेंगे नहीं, बस 10-15 मिनट रुक जाएंगे, फिर आगे चलेंगे हम लोग, अपनी जर्नी पूरी कंप्लीट करेंगे, हम लोगों को डिले नहीं करना है बिल्कुल भी। गाइस बहुत हो गई बातें आप लोगों से, अब पहले कुछ खाते हैं यहाँ पे, हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं हम लोग, अभी खाना खाने का मन नहीं है हम लोगों का, आशु का भी मन नहीं है। तो ये बेकरी देखिए यहाँ पे रुकते हैं, यहाँ कुछ खाते हैं, पेटीज खा लूँ सोच रहा हूँ, पेटीज गाइस मुझे बहुत पसंद है, बस हाँ सही मिल जाए, सही मिल जाती है अधिकतर जगहों पे, खा लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस अभी अभी गर्मा गर्म आलू पेटीज खाई हमने और आशु ने, अब कुछ सही लग रहा है हम लोगों को, ज़्यादा भूख नहीं लग रही हम लोगों को पता नहीं क्यों, और ज़्यादा कुछ खाना भी नहीं चाहिए जर्नी पे। चलिए चलते हैं अब आगे की तरफ, अल्मोड़ा की तरफ, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, आप लोग वीडियो देखिए तब तक। गाइस तो हम लोग अल्मोड़ा बस पहुंचने ही वाले हैं, हम लोग यहाँ पता नहीं कौन सी जगह पे रुके हुए हैं, यहाँ देखिए व्यू कितना बढ़िया है, यहाँ रिवर नीचे से बह रही है, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, आप लोगों को भी उम्मीद है वीडियो अच्छी लग रही होगी। बस हम लोग थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, चलिए चलते हैं, यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, अंधेरा होने वाला है, बाइक अपनी बिल्कुल सही है तो कोई दिक्कत नहीं है अभी, इसको फिर वहाँ पे चेकअप करा लेंगे हम लोग। चलिए चलते हैं आगे। हम लोगों ने देखिए ग्लव्स के अंदर ग्लव्स पहन लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही लो है, ठंड लग रही है। बस हम लोग निकलते हैं, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे, उम्मीद है सेफ लैंडिंग ले हम लोग अल्मोड़ा में। गाइस रोड बहुत अच्छी मिल गई यहाँ पे, स्ट्रेट टाइप की रोड, तो चलिए थोड़ी बाइक भगा के देखते हैं, बहुत देर से 35-40 चल रहे हैं। पहुंची गए हैं यहाँ से, मेरे ख्याल से बस 2 या 3 किलोमीटर रह गया है, तो भाई जल्दी से अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम लोग टाइम से पहुँच जाए, अंधेरा होने ही वाला है बस मेरे ख्याल से अगले 10 मिनट में अंधेरा हो जाएगा। चलिए चलते हैं यहाँ पे, आप लोगों को बस ये व्यू दिखाने के लिए थोड़ा सा रुके हुए हैं, बात करने के लिए आपसे, चलिए चलते हैं। तो गाइज़ हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, अल्मोड़ा पहुंच गए हैं, और अब हम लोग बस कांटेक्ट करने जा ही रहे हैं जिनके यहाँ हम लोगों को रुकना है,
इस बार हम लोग होटल में नहीं रुकने जा रहे हैं, दिल्ली में हम लोग अपने दोस्त के फ्लैट पे रुके थे, पर यहाँ पे हमारे कोई दोस्त नहीं है, हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं। रिलेटिव्स कहूँ या कहूँ उनसे, रिलेटिव से भी बहुत ज़्यादा खास हैं हम लोगों के लिए। तो गाइस चलिए बस अब वीडियो को करते हैं क्लोज। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, हो सकता हो अगली वीडियो कोई स्टंट वीडियो हो, देखते हैं, जैसा भी होगा आपको पता चली जाएगा। बाय गाइस, टेक केयर।